हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसा गाइज आप होप की आप लोगों की जो तैयारी होगी जोरों शोर से चल रही होगी, आप चैप्टर्स को बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चनों को याद कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर हमें क्या करिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया या फिर जो स्टैट्स का हो गया उसके चैप्टर वाइज क्या करिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दीजिए कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ें या किन किन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों की डिमांड पर यार कह रहे मैंने क्या कर दिया था, हर एक चैप्टर्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थे 10 ऐसे जो टॉप क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा रहे थे या जो पेपर में कई सालों से रिपीटेड हो रहे थे, तो उन क्वेश्चनों को ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और यार देखो, आप लोगों के अगर कोई डाउट्स होते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है एग्जाम्स को लेकर हो गए, फिर मान लो क्या नाम है तैयारी के लोग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन वहां पर कमेंट करेंगे सर हमारे को इस चीज का डाउट है इस चीज का, बाकी अदरवाइज क्या कर सकते हो आप हमारे को इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर सकते हो। हमारा जो यूनिक सेंटर चैनल है वहां पर भी जाके हमारे को मैसेज वगैरह भी आप कर सकते हो। तो बात आती है आज की वीडियो, हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर थर्ड है उसमें ऐसे देखेंगे कि 10 ऐसे कौन सा क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस करने की नीड है। उन्हीं 10 क्वेश्चनों के अलावा हम कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ना हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों से मैं कह रहा हूँ कि बस इस 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर थर्ड हमारा क्या था, उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। तो इनमें हम ऐसे कौन कौन से देखते हैं कि जो 10 क्वेश्चन होंगे उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो हम बात करते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है उपयोगिता से क्या अभिप्राय है, यूटिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार करना है। नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट डलवा दे रहा हूँ, लिंक उसकी थी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो चैप्टर वाइज कि जो भी आपके डाउट्स, अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप वहाँ से चेकआउट मार सकते हो और वहाँ से अपने टॉपिक को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारे को क्या करना है कि उपयोगिता क्या होती है, उसकी अवधारणा को हमें क्या करना है यहाँ पर याद करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन देखो ये एक नंबर का याद रहेगा आपका पेपर में। दूसरा क्वेश्चन आता है तीन नंबर में आपका आने के चांसेज है, उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा और उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा कई बार पेपर में पूछा गया है। ये नॉर्मली जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं केस स्टडी टाइप के, तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको देके पूछे गए, इनके डेफिनेशंस को बताइए। तो हमें उसके लिए भी क्या करना, अपने आप को प्रिपेयर करना है। कैसे करना, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करते रहिए, ठीक है। देखो, और क्वेश्चन देखो थर्ड हमारा जो रहता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चार नंबर के लिए आपको पढ़ना है कि जो आपका कुल उपयोगिता जिसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं और सीमांत उपयोगिता जिसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं MU, इनके बीच में क्या रिलेशन है। अगर ये तीन नंबर का आता तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, प्लस में उसके रिलेशन लिखने पड़ेंगे, संबंध लिखना पड़ेगा। अगर चार का आता तो आपको उसके कहना है सबसे पहले तो उसका टेबल बनाइए, फिर उसका डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद जाके उनके संबंध लिखो। तो इस तरह से आपको चार नंबर के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। और देखो, जो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है एक से दो नंबर में आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्षमान सीमांत उपयोगिता के नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कि जो हर्षमान सीमांत उपयोगिता का नियम होता है ये क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने इसमें आपको पढ़ा रखा है कि जब हम किसी वस्तु की इकाइयों को लगातार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली संतुष्टि हमारी क्या होती है, लगातार क्या होती है, घटती आती है। तो आपको डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, आप लोगों ने डिमांड थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोग वीडियो वहां से भी देखते हो तो वहां भी आपके सारे कंसेप्ट क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि डेफिनेशन यहाँ पर करोगे, उसके बाद दूसरा आपको इसी में कवर करना है क्या है, हर समान सीमांत उपयोगिता के नियम की मान्यता, मतलब कि जो हर समान सीमांत उपयोगिता होता है, नियम होता है, उसकी क्या क्या मान्यता होती है, उन चीज़ों को कवर करना है। और देखो ये भी आपका दो नंबर में आ सकता है, या आपका देखो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर तीन नंबर के लिए क्वेश्चन आपको तैयार करना है, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है वो बताना है, उसके अलावा इसकी क्या अजम्पशंस होती है, क्या मान्यता होती है, इन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और यार आप चीज हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पढ़ाओ, आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, वहाँ पर कमेंट करिए कि सर हमारे को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, इसका शॉर्ट्स बना दीजिए, फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं सब वहाँ पर कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको एक एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेगी, क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो सेवन हमारे को क्या कहना है, एक वस्तु की स्थिति में, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, मोस्ट ये आपका क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, कितना, चार नंबर के लिए आपको क्वेश्चन तैयार करना है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा पेपर में,
क्या कह रहा हूँ लिख लो नोट बना के, जो नोट्स आपने लिखे कि सर ने कहा है कि क्वेश्चन को तैयार करना हो तो तैयार करना है, रट्टा मारना हो तो रट्टा मार लो, जो आपको सुटेबल लगे। पेपर में जब छपेगा तो मेरी गारंटी नहीं आप लोग करके आओगे, ठीक है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन समझाना है, ठीक है। दूसरा करेगा दो वस्तु की स्थिति में, क्लियर है तक? जैसे आपने पढ़ा होगा ना यहाँ पर क्या होता है हमारा MUX अपॉन में क्या होता है PX इज इक्वल टू क्या होता है MUM, ये तो एक वस्तु के, तो ऐसे हमारा जो MUX हो गया अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY हो गया अपॉन में PY, तो वहाँ पर दो वस्तु के, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना, यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या करना है, आठ नंबर का जो आठवां क्वेश्चन है वो एक मार्क्स का रहेगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से क्या कहते हैं समझते हो, मींस कि जो MUM होता है इसका क्या मतलब है, ठीक है। MUM का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नॉर्मल से ही हमेशा लिखना है कि एक रुपये से जो मिलने वाली संतुष्टि होती है वो इसको इंगित करती है, दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें आपको दो नंबर के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है। ये रहा, ये देखो कई बार क्वेश्चन है, ये लगभग लास्ट टाइम पे क्या होता है 2021 या 22 के सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछेगा दो केस, कौन कौन सा है कि इफ जो MUX अपॉन में क्या PX, ये क्या ग्रेटर देन है किससे MUY अपॉन में क्या PY से, तो क्या होगा यहाँ पर ये। और दूसरा केस आपसे पूछा जाएगा कि अगर MUX हो गया अपॉन में PX और फिर कह रहे MUY अपॉन में ग्रेटर लेस देन क्या है इससे, मतलब ये लेस देन है किससे MUY से, तो इस केस में क्या होगा। दोनों कंडीशंस को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सर आपके डाउट्स होंगे सर कैसे करें, तो बस भाई प्लेलिस्ट पे जाओ, लिंक वहाँ चेक करो, वहाँ से मैंने एक कंसेप्ट को एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है। तो आपको क्या करना है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है थर्ड चैप्टर में, बस इस 10 क्वेश्चन के अलावा आपको एक भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको याद करना है, इन्हीं को प्रैक्टिस करना है, इन्हीं को रट्टा मारना है, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार पढ़ना है, बार बार, एक बार नहीं बार बार पढ़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो अब हम मिलते हैं जो हमारा चैप्टर क्या होता है 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट की, जो आपको उसमें भी आपके तैयार करना है। बस हर एक चैप्टर वाइज क्या करोगे 10 क्वेश्चंस को भी तैयार करोगे ना, तो भी यार आपको क्या रहेगा कि बेस्ट आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा आप लोग उसमें फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो बाकी वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।